नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मस्तूरी में अपहरण पर फिरौती करने का मामला सामने आया। जयराम नगर की रहने वाली महिला सुनैना पांडू, उसका भतीजा विक्की और रोहन पांडू को छुपाकर सीपत के जंगल में रखा गया। मस्तूरी थाना क्षेत्र ग्राम भदौरा निवासी राजा सिंह ठाकुर, दूसरी आरोपी रविशंकर, जो कि आरोपी द्वारा 2 लाख रुपए के परिजन पर दबाव बनाया जाता था। इस मामले में पुलिस लगातार टीम बनाकर आरोपी को तलाश कर रही थी। महिला और युवा को छुपाकर रखा था। पुलिस टीम 8-10 घंटे तक आरोपी की निगरानी में था। बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव इस मामले में लगातार लगे हुए हैं। पुलिस द्वारा अपहरण महिला और युवक को सकुशल बरामद कर उसके घर वालों को सुपुर्द किया जाएगा। कार्रवाई अति पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के नेतृत्व में थाना मस्तूरी प्रभारी फैजुल शाह और पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। जयराम नगर क्षेत्र में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से सकुशल दोनों जो अपहृत महिला और जो व्यक्ति विक्की, उसको बरामद किया गया। पूर्व में ये दोनों आरोपी अपहृत महिला के पति के मर्डर के अपराध में जेल जा चुके हैं। इनका अभी तक योजना में आया है कि जो न्यायिक प्रकरण में इनको काफ़ी पैसे खर्च हुए थे, तो इसीलिए इन लोगों ने फिरौती की मांग की थी इनसे। दिनेश पाटले की रिपोर्ट।